गुड मॉर्निंग क्लास, हम लोग दृष्टि की क्विक बुक से सेट के क्वेश्चन का सलूशन कर रहे हैं। पिछले दो वीडियोज में मैंने 10-10 क्वेश्चन करके 20 क्वेश्चन सॉल्व करके बताए हैं आपको। आज अगले हम 10 क्वेश्चन देखेंगे, 21 से 30 तक देखेंगे, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है, यदि 2, 3 की पावर दी गई है 2019 को 10 से विभाजित किया जाए तो क्या शेष रहेगा, ये देखना। इसमें एक टोसेंट रूल लगता है। टोसेंट रूल क्या होता है, ये जो भी नंबर यहाँ दिया गया हो, इसे पावर रिड्यूस करने के लिए उसके प्राइम फैक्टर किया करिए, तो प्राइम फैक्टर इसके 2 और 5 हो जाएंगे। उसके बाद इसमें ये होता है रूल कि जो भी प्राइम फैक्टर आए उसे उस नंबर को पहले लिख लेते हैं। जैसे ये नंबर लिख लिया हमने 10 × 1 − 1/2, जो नंबर यहाँ पर आते हैं, 1 − 1/5। इससे नंबर हम कैलकुलेट करेंगे, जैसे 10 × 1/2, इसे कैलकुलेट करेंगे तो 4/5 आएगा, और ये हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 4। मीन्स क्या है कि 4 से इस पावर को हम रिड्यूस कर सकते हैं, और फिर जो भी बचेगा उसे हम 10 से डिवाइड करेंगे। और हमें पता है कि 4 से डिवाइड करने के लिए हमें लास्ट की 2 डिजिट से ही रिमाइंडर निकाल लेते हैं, इसलिए हम 19 में भाग देंगे तो 3 की पावर क्या बचेगी यहाँ पर, 3, क्योंकि 19 में रिमाइंडर बचेगा हमें 3। तो अपान में हमें 10 करना है, 10 से डिवाइड करना है, इसलिए 27 × 10, और 10 से अगर 27 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 7 मिलेगा, इसलिए आंसर हमारा 7 हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन था। देखिए ये क्वेश्चन 7 की डिविजिबिलिटी थोड़ी टफ होती है, इसे ध्यान से समझें। जब कभी बड़ी डिविजिबिलिटी 7 की मिल जाए तो 2 रूल्स होते हैं। एक 7, 11, 13 के लिए कॉमन रूल्स होता है, तो इसमें हम कैसे निकालते हैं, हम इसमें पेयर्स बना लेते हैं पीछे से। जैसे ये के पेयर बन जाएगा 3 नंबर्स का, एक ये पेयर बन जाएगा, एक ये पेयर बन जाएगा, और अगर नहीं बने तो आगे हम 0 मान लेते हैं, 0 लगा के पेयर्स बनाएंगे। फिर नंबरिंग कर देते हैं, जैसे 1, 2, 3 और 4। इवन पोजीशन का सम और ऑड पोजीशन का सम कर लेते हैं। अगर हम इवन पोजीशंस के सम की बात करते हैं और ऑड पोजीशंस का, उनका डिफरेंस लेना होता है, तो ऑड पोजीशंस का सम अगर हम देखें तो हमें पता है 3, 6, 9 एक है, और फिर 9, 8, 1 है, ठीक। इन्हें अगर हम ऐड करेंगे तो हमें यहाँ 0 मिलेगा, 6 और 8, 14 और 1, 15 के 5 मिलेंगे, यहाँ 9 और 3, 12, 12 और 1, 13 मिल जाएगा हमें, ठीक है। अब इसमें से 13, 50 जो आया था, इसमें से ये नंबर देखो इवन पोजीशन पर है और ये नंबर इवन पोजीशन पर, तो पहले जो हमें पता है कि 0, 3 यहाँ पर 3 डिजिट का नंबर नहीं है, तो हम ऐसे बना लेंगे 3, 7, इसे हम माइनस कर लेते हैं। यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, और यहाँ 1 आएगा, यहाँ पर भी 3 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, ठीक। अब देखिए इसमें से अगर हम बात देखते हैं तो कौन सा नंबर ऐसे है, तो 25P है, 25P तो ऐसे हम सबट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हम 25 और नंबर्स यहाँ से पुट करके देखेंगे। तो इसमें अगर आपको सभी नंबर पुट करके सबट्रैक्ट करके देखेंगे तभी आपको इजीली वहाँ आंसर तक आप पहुँचेंगे। तो हम देखते हैं कि 6 करके, तो 6 हमने पुट किया, ठीक, तो 6 यहाँ से हमने माइनस किया, 13 में से 6 जाएगा तो यहाँ 7 आ जाएगा, और यहाँ पर अगर हम देखें कि तो 0 मतलब 10 में से जाएगा तो 5 आ जाएगा, ठीक। और फिर यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो अगर 10 यहाँ पर तो 0 बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा, तो 1057 ये आया। अब एक रूल ये कहता है कि जो नंबर यहाँ यूनिट डिजिट हो उसका 2 टाइम्स इसमें से माइनस कर दिया करिए, तो अगर डिवाइड होना होगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ अगर हम देखें 7 से, तो 7 से क्या हम 7 का 2 टाइम्स हम करेंगे तो 14 हो जाएगा, तो 105 माइनस का 14 यहाँ करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, और यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें कितना मिल जाएगा, मतलब 5 में से 4 जाएगा 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 9 आ जाएगा, ठीक। अब अगर हम देखें इसे 7 से डिवाइड करके, तो 7 से ये नंबर डिवाइड होता है, तो 7 से अगर ये नंबर डिवाइड है, जैसे 7 × 1 = 7, 3 = 3, तो हम कहेंगे कि इसका आंसर भी हमारा 6 हो जाएगा। इसी तरीके से हमें सभी ऑप्शन पुट करके देखने पड़ेंगे, बाकी कोई भी ऑप्शन पुट करके देखोगे तो उससे ये डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो ये होता है 3-3 के पेयर्स बनाते हैं इवन और ऑड पोजीशंस को, जब लास्ट में बचे तो यूनिट डिजिट जो होता है उसका 2 टाइम्स रिमेनिंग डिजिट से माइनस कर देते हैं। अगर नंबर 7 से डिवाइड है तो वो पूरा नंबर 7 से डिवाइड माना जाएगा, और अगर डिवाइड नहीं है तो उसे डिवाइड नहीं मानेंगे, ठीक। अब देखिए ये क्वेश्चन है, करें एक 2 अंकों वाली संख्या तथा इन अंकों के स्थान को परस्पर बदलकर प्राप्त होने वाली संख्या का अंतर दिया गया है 54, यहाँ पर डिफरेंस दिया गया। फिर कह रहा है इस संख्या के दोनों अंकों का योगफल केवल तभी ज्ञात किया जा सकता है जब दोनों अंकों का गुणनफल ज्ञात हो।
इस संख्या के दोनों अंकों के बीच के अंतर को निकाला जा सकता है। अब देखिए इसमें हमें पता होता है कि टू डिजिट जो नंबर होता है वो क्या होता है, कैसे हम देखते हैं। हमें पता है संख्या हम अगर मानते हैं 10x + y, तो अगर अंक बदल देंगे तो हो जाएगी 10y - x इक्वल टू 54। कह रहा है इनका डिफरेंस 54 है। इसे कैलकुलेट करेंगे तो 9x - 9y इक्वल टू 54 और x - y इक्वल टू हमें पता है 6 मिल जाएगा, क्योंकि 9 से कॉमन लेकर हम डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ ध्यान से समझिए, सेकंड स्टेटमेंट तो सेम यही कह रहा है कि संख्या के दोनों अंकों के बीच के अंतर को निकाला जा सकता है, तो अंकों का अंतर ही आ गए हैं, तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया। ठीक, अब पहला देखते हैं। कह रहा है कि अगर योगफल निकालना है तो तभी निकाल सकते हैं जब गुणनफल, हमें अब कुछ तो पता होना चाहिए, तो गुणनफल अगर हमें पता चल जाए तो हम योग निकाल सकते हैं, ये बात सही है, तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट जो होंगे वो करेक्ट हो जाएंगे। ठीक, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है 5 क्रमागत पूर्णांकों का योगफल 100 हो सकता है, 3 क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल उनके योगफल के बराबर हो सकता है। देखिए दूसरा स्टेटमेंट तो बहुत इजीली हम विजुलाइज कर सकते हैं। देखिए 6 नंबर ऐसा है जिसके अगर हम देखें 1, 2, 3 फैक्टर आएंगे, इनका गुणनफल भी 6 है और योग भी है। कह रहा है कि 3 क्रमागत धन पूर्णांक और ये क्रमागत नंबर है 1, 2, 3। ठीक, तो सेकंड स्टेटमेंट तो हमने ऐसे विजुलाइज कर लिया। इसको हम चेक करके देख लेते हैं कि क्या कोई क्रमागत संख्याएं ऐसी हो सकती हैं जिनका सम 100 हो। तो हमने माना पहली संख्या ए है, दूसरी a+1 है, a+2 है और a+4 है इक्वल टू 100। पूर्णांक होनी चाहिए, मतलब पॉइंट में आंसर नहीं आना चाहिए। तो इसे अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हम कहेंगे 5a, 1 और 2, 3 मीन्स 7 आ जाएगा यहाँ तक। नहीं, यहाँ पर a+3 मिस हो रहा है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपका a+3। ठीक, तो अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 10 इक्वल टू 100। तो 5a = 10 उधर ले जाके माइनस करेंगे तो 90 हो जाएगा। अब अगर हम आगे देखें तो 5a मतलब 5 से कैंसिल आउट कर लें तो 18 आ जाएगा। तो हम कहें a = 18 आ गया, तो पहली संख्या 18 हो जाएगी, दूसरी 19 हो जाएगी, तीसरी 20 हो जाएगी, फिर 21 हो जाएगी और फिर 22 हो जाएगी। ये 5 क्रमांकित संख्याएं ऐसी हैं जिनका सम 100 हो जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं क्योंकि ये पॉसिबल है। अगर पॉइंट में डेसिमल में आंसर आ जाता है तो हम कहते हैं स्टेटमेंट सही नहीं, क्योंकि पूर्णांक की बात कर रहे हैं। अब देखिए नंबर आप 0 फाइंड आउट करने के ये नियम होते हैं कि जितने हमें 2 और 5 के पेयर्स मिलेंगे उतने ही नंबर आप 0 होंगे। तो इसमें हमें देखना ये पड़ेगा कि कितने 5 हैं और कितने 2। ठीक, तो हमें लग रहा है देखने से नंबर के 2 कम मिलेंगे, तो हम 2 देख लेते हैं कि नंबर ऑफ 2 कितने। एक नंबर ऑफ 2 हमें यहाँ से मिलेगा क्योंकि 2 × 5 लिखेंगे, 2 हमें यहाँ से मिलेंगे तो 1 यहाँ से, 2 यहाँ से और 1 हमें यहाँ से मिल जाएगा। ठीक, और हम देखें तो 3 यहाँ से, 8 × 40 होता है तो 8 में हम देखें तो 3 होते हैं, तो 3 × 2 हमें यहाँ से मिल जाएंगे। और अगर हम देखें तो 1 हमें 2 यहाँ से मिल जाएगा, कहाँ गया, देखिए ये भी हो गया, अच्छा ये चल रहा है। ठीक, फिर करते हैं हम लोग, 1 हमें देखिए 2 यहाँ से मिलेगा, 1, 2 यहाँ से मिल जाएंगे, 1 हमें यहाँ से मिल जाएगा, 3 × 2 यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर हम देखें 1 × 2 हमें यहाँ से मिल जाएगा। ठीक, और यहाँ से अगर हम देखें तो हमें 2 मिल जाएंगे, 2 क्योंकि 15 × 60 4 से 2 2 मिल जाएंगे। ठीक, तो नंबर ऑफ 2 अगर हम देखें, यहाँ लिखें हम नंबर ऑफ 2 कितने मिल रहे हैं, 1 और 2 3 और 4 4 और 3 7 7 और 1 8 8 और 2 10 आ जाएंगे। अब नंबर ऑफ 5 देख लेते हैं, 1 2 3 4 4 यहाँ से 2 मिल जाएंगे, 4 और 2 6 6 और यहाँ से मिल जाएगा आपको 1 7 1 8 1 9 1 10। हमें पता है मिनिमम, जो मिनिमम मिलता है वही होता है, अब 10 से ज़्यादा भी मिल जाए कोई मतलब नहीं। तो नंबर आप जो 2 और 5 के पेयर बनेंगे वो केवल 10 मिलेंगे, 2
टू एंड फाइव के पेयर कितने मिल जाएंगे, 10 मिल जाएंगे, ठीक। तो आंसर भी हमारा कितना, नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। जितने टू और फाइव के पेयर मिलते हैं उतने ही आंसर होता है। अब जैसे ये देखिए क्वेश्चन दिया है, माना कि x बाई जेड तीन अंकों की एक संख्या है जहाँ x प्लस वाई प्लस जेड तीन का गुणांक नहीं है, तो x बाई जेड जेड एक्स विभाज्य नहीं होगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन देखिए कैसे करते हैं। पहले थ्री डिजिट नंबर देख लीजिए, x बाई जेड ये दिए गए। x बाई जेड को अगर हम लिखना चाहें ब्रेक करके तो हम क्या लिखेंगे, 100x प्लस 10y प्लस जेड। अब दूसरा नंबर हमारा बाई जेड एक्स है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 100y प्लस 10z प्लस एक्स। तीसरे नंबर की अगर हम बात करते हैं जेड एक्स वाई है तो यहाँ आ जाएगा आपका 100z, क्या है, जेड एक्स वाई, तो 10x और प्लस वाई। अब इन सबको जोड़ोगे तो आप देखिए 100 यहाँ x है, यहाँ 10x है और यहाँ पर केवल x है, तो सब कितने आ जाएंगे, 111 आ जाएगा, ठीक। 111 बार y आ जाएगा तो हम लिख सकते हैं 111x प्लस y प्लस z। इन तीनों को अब ऐड करोगे तो 111 को हम लिख सकते हैं 37 × 3 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे विभाज्य नहीं है, मतलब किससे इसमें से विभाज्य नहीं है। तो देखिए थ्री तो है तो थ्री से विभाज्य है, थ्री क्योंकि इसमें आ रहा है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 37 से विभाज्य ये नहीं ऑप्शन हो सकता। एक्स बाई जेड भी है तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। वो क्वेश्चन में एक चीज़ बड़े ध्यान से पढ़ने वाली है, कह रहा है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीन का गुणांक नहीं। अगर ये तीन का कहीं गुणांक होता, मीन्स तीन का अगर गुणज होता या हम कहें फैक्टर होता, तो हम कह देते हैं कि यहाँ पर 9 हो जाएगा क्योंकि एक ऑलरेडी 3 है और वहाँ से 3 मिल जाता तो ये डिवाइड हो जाता। तो ये कभी 9 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये 3 का गुणांक नहीं है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 9, ठीक। अब यह माना कि P, Q, R और S इस प्रकार की प्राकृतिक संख्याएं हैं कि P -216, Q +2017, R माइनस इतना, S प्लस इतना, समथिंग ऐसे दिया गया, ठीक। तो हमसे पूछ रहा कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी संख्या है, तो इसमें पी क्यू आर एस की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे, देखिए अगर हम ये लेट कर लेते कि P -216 इक्वल टू Q +2017 इक्वल टू R -2018 इक्वल टू S +2019 इक्वल टू K, तो आप कह सकते हो यहाँ से अगर हम कहेंगे कि P -2016 इक्वल टू K, तो आंसर हमारा आएगा P इक्वल टू K +2016। इसी तरीके से हम कहेंगे Q निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा K -2017। इसी तरीके से अगर हम R निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा K +2018। इसी तरीके से अगर हम यस निकालेंगे तो के -2019। तो आप देखिए के में यही ऐड हो रहा है सबसे बड़ा नंबर, तो इसलिए आर सबसे बड़ा हो जाएगा, बाकी नहीं। देखिए ये भी ऐड हो रहा है लेकिन ये तो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इसका मीन्स क्या है, और सबसे ज़्यादा तो ये सबसे छोटा हो जाएगा, ये सबसे बड़ा हो जाएगा। सबसे बड़ा हमसे पूछा है, ये कह रहा है सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो आर हो जाएगी। ये क्वेश्चन थोड़ा उस तरीके से हो गए। देखिए पाँच अंकों की कितनी अभाज्य संख्याएँ 1, 2, 3, 4 और 5 के द्वारा बिना अंकों की पुनरावृत्ति किए हुए बनाई जा सकती हैं। देखिए अभाज्य संख्या कह रहा है, तो अभाज्य संख्या की खासियत होती है कि वो संख्या स्वयं से विभाजित हो और 1 से डिवाइड हो। लेकिन ये नंबर की अगर हम देखें यहाँ पर जो डिजिट दी गई हैं, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इनका सम करते हैं तो 15 आता है, और ये सम 3 से हमेशा डिविजिबल हो जाएगा। तो कोई भी प्राइम नंबर ऐसा नहीं होगा जो इस तरीके का बने, तो इसलिए हमारे इसमें नंबर ऑफ जो आंसर हो जाएगा वो 0 हो जाएगा क्योंकि ये नंबर 3 से डिविजिबल। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनके बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। सभी संख्याएं 2 से विभाज्य हैं, सभी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। फिर कह रहा निष्कर्ष, सभी संख्याएं 6 से विभाज्य, ये सच है कि जो 2 और 3 से विभाजित होंगी वो 6 से विभाजित होंगी, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सभी संख्याएं 4 से ऐसी ही नहीं है कि जो 2 से विभाजित होंगी वो 4 से भी विभाजित होंगी। जैसे 6 हम देखें तो 2 से विभाजित है लेकिन 4 से विभाजित नहीं है, ऐसे 10 देखें 2 से विभाजित है लेकिन 4 से विभाजित नहीं है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। या 3 के लिए भी ये रूल नहीं लगेगा इसमें, ठीक।
तो इस तरीके से हम देखें ऊपर लिखे निष्कर्षों में कौन से दिए गए कथनों के तार्किक रूप से निकाला जा सकता है, तो पहला जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। फिर कह रहा है एक और सौ के मध्य कितनी ऐसी पूर्ण संख्याएं हैं जिनके अंक चार हैं लेकिन चार से विभाज्य नहीं है। एक अंक मतलब चार है लेकिन चार से विभाजित नहीं। अब देखिए अगर इस तरीके के नंबर हमें लिखने ही पड़ते हैं, इसमें और कोई लॉजिक नहीं होता। जैसे हमें पता है कि अगर हम देखें जिसमें चार भी हो, ऐसे निकाला जाता है 10 से 20 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं, जैसे 1 से उसके बीच तो 4 आएगा, 1 से 10 के बीच, 1 से 10 के बीच जिनमें 4 हो वो 4 से विभाजित हो, तो 4 ही केवल होता है, 4 से विभाजित तो कोई नंबर नहीं। लेकिन 10 से 20 के बीच में अगर हम देखें तो हमें पता 11 12 13 14 मिलता है, 14 4 से विभाजित भी नहीं है तो एक नंबर हो गया 14, ठीक। फिर हम देखें 20 से 30 के बीच कौन से नंबर ऐसे मिलता है, तो 24 जो कि 4 से विभाजित है तो कोई नंबर नहीं। फिर इसी तरीके से आप देखोगे 30 से 40 के बीच कौन सा मिलता है, तो 34 ऐसा नंबर है जिसमें 4 है लेकिन वो 4 से विभाजित नहीं है। फिर अगर हम देखेंगे 40 से 50 के बीच, तो 41 है, 42 है, 43 है, 45 है, 44 नहीं है, 46 है, 47 है और 49, इतने नंबर हैं, ठीक। इसी तरीके से अगर हम आगे देखें तो देखिए फिर 50 से 60 के बीच अगर हम देखें तो 54 भी 4 से डिवाइड नहीं होता है और उसमें 4, ठीक। अगर हम 60 से 70 के बीच देखें, 64 जो है वो 4 से डिवाइड हो जाता है तो इसलिए कोई नंबर नहीं होगा। और 70 से 80 के बीच अगर हम देखते हैं तो 74 भी ऐसा नंबर है जो 4 है उसमें, लेकिन 4 से डिवाइड नहीं होता है, ठीक। इसी तरीके से अगर हम इधर देख लें 80 to 90 के बीच 84 है तो वो डिवाइड हो जाता है 4 से, तो ऐसा नहीं हो जाएगा। 94 नहीं डिवाइड होता, तो 90 से 100 के बीच अगर देखें तो 94, तो कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो ऐसी संख्याएं होंगी 12। ये आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक। तो हमने 10 क्वेश्चन बताए, अगले वीडियो में हम लोग 10 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में किसी को डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका हम आंसर देंगे। और मैंने बताया है कुछ सिलेक्टिव डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये चैप्टर कंप्लीट होते हैं उनका हम प्री वीडियो बनाएंगे और उन्हें काफ़ी डिटेल में समझाएंगे, ठीक। थैंक यू।